मड़ुआडी से बनारस भी हो गया, हाँ काशी भी हो गया, मैं और सब बहुत सारी चीजें बदली। तो विधानसभा चुनाव में भी यही इतिहास फिर से जरूर दोहराया जाएगा और तब फिर कांग्रेस व अन्य पार्टियों का भी जरूर वहाँ सफाया हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं संक्षेप में मेरा यही कहना है कि अकाली दल खूब फले व फूले तथा आगे भी खूब बढ़े। अंत में अब मैं श्री प्रकाश सिंह बादल जी व श्री सुखबीर सिंह बादल तथा अकाली दल के इनके सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं आदि को भी एक बार फिर से 100 वर्ष पूरे करने के लिए अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ ही अब मैं यूपी के संबंध में भी ये कहना चाहूँगी कि यूपी में विधानसभा आम चुनाव होने से पहले यहाँ दूसरी पार्टियों के खासकर निष्कासित निष्क्रिय व स्वार्थी किस्म के लोगों को शामिल करने से किसी भी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि जनता ऐसे घोर स्वार्थी तत्वों को अधिकांश आयाराम व गयाराम ही कहती है। साथ ही उस पार्टी को भी अच्छी निगाह से नहीं देखती है। फिर भी मीडिया द्वारा जनता को ये सब हर दिन इसे ऐसे परोसा जाता है, दर्शाया जाता है जैसे ये सब ऐसी कोई बड़ी घटना हो जिससे जनता प्रभावित हो जाए, जबकि उसमें कतई भी सच्चाई नहीं होती है। इसलिए बीएसपी इस किस्म की राजनीति से अपने आप को पाक साफ रखने का भी पूरा पूरा प्रयास करती है। इसी प्रकार यहाँ कुछ पार्टियों द्वारा एक एक सीट पर कई कई लोगों को टिकट का आश्वासन देकर वे उसकी आड़ में थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठा करके तथा अन्य और भी किस्म किस्म की नाटकबाजी करके साथ ही चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले केंद्र व यूपी की सरकार द्वारा भी आए दिन यह प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाएं, शिलान्यास व अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि यूपी की जनता अब ये सब काफ़ी अच्छी तरह से समझ चुकी है। फिर भी मैं प्रदेश की जनता को ऐसे सभी हथकंडों से सावधान रहने की अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं। धन्यवाद। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अकाली दल को बधाई दी 100 वर्ष पूरे होने पर और गठबंधन का ऐलान कर दिया है पंजाब में। तो अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब का आने वाला विधानसभा चुनाव। और इसके साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा और बगैर नाम लिए उन्होंने हमला बोला है यहाँ पर अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों का, खासकर समाजवादी पार्टी का। उन्होंने बगैर नाम लिए उस पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को जो स्वार्थी हैं उनको पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, कई कई सीटों पर चुनाव लड़ाने का जो है उन्हें स्वप्न दिखाया जा रहा है, लेकिन इससे उनका जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, इससे उनका जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, ये मायावती ने अभी अभी कहा। लगे हाथों उन्होंने रूलिंग पार्टी पर भी उन्होंने हमला बोल दिया, ये कहते हुए कि शिलान्यास और जो विकास कार्यों के उद्घाटन है इससे जनता में कोई सकारात्मक मैसेज जाने वाला नहीं है। अब हम चलेंगे बरेका गेस्ट हाउस, वीरेश पांडे हमारे साथ हैं। वीरेश, अभी आप अंदर दिखा रहे थे कि कैसे गेस्ट हाउस में बैठक शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री ने जो बैठक बुलाई है उसमें कैसे तमाम बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं और वो बैठक शुरू हो चुकी है। और दूसरी ओर हमारे दर्शक अभी मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका बयान देख रहे थे। पंजाब में उन्होंने अलायंस को तो डिक्लेयर किया ही है अकाली दल के साथ, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने हमला बोला है समाजवादी पार्टी पर और भाजपा पर, और दोनों का ही नाम नहीं लिया है। वीरेश, उन्होंने दोनों का ही नाम नहीं लिया है लेकिन दोनों पर ही हमला बोला है।